Both of us go the same, you know. Silver is the same for both of us. Yes. So we understand each other's situation. Salt and paper look and we understand each other's situation. Yeah. Tell us, there are different platforms when I talk about OTT, you know. Tell us about your situation with the platform, and you have been part of the industry for so long. Itna sab kuch kiya hai. Kya khas laga? Ek individual ki bhi apni soch aur nazariya hota hai ki haan main isliye jud raha hu. See, I'll, before answering that, I'll just go back in connection to your question. I'll go back to my first OTT experience. It was a project called The Test Case. Now, the platform was Alt Balaji. The company involved, the production house was Endemol. Nagesh Shuknur was my director, along with Vinay Vekul, who directed most of the episodes. Ekta ji was launching Alt. So, you know, when I go back to that experience, उस टाइम पे मुझे लगता था यार पता नहीं क्या होता है वेब सीरीज, मतलब हो गया इस बात को 3-4 साल का समय. सो अभी कमिंग टू योर क्वेश्चन, गोइंग फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस आई सॉ स्टार्टअप बिकम वेरी वेरी सक्सेसफुल, है ना. तो वहीं मुझे लगा कि यार ये डी जी फ्लिक्स का जो आइडिया है टू गो इन टू द थॉट प्रोसेस ऑफ हैविंग टू प्लेटफॉर्म्स, यू नो डी जी फ्लिक्स जो चैनल है, दे हैव टू प्लेटफॉर्म्स, दे विल बी लॉन्चिंग डी जी मूवीज, इसमें फिल्मों के बारे में जो होगी बातचीत की जाएगी, फिल्मों को लेके आगे बढ़ेगी वो चैनल. और एक डी जी टॉक, वी ऑल नो दैट टिकटॉक गॉट बैंड, है ना. वो बेचारे अपनी अपनी छोटी छोटी तस्वीरें बना के या क्लिपिंग बना के डाल देते थे, टिकटॉकर्स फॉलोइंग हो जाती थी उनकी, इन्फ्लुएंसर हो जाते थे वो लोग, पैसे वैसे बन जाते थे. अभी वैसा कुछ शायद रील्स कर रहा है इंस्टाग्राम, वो कर रहा है सिमिलर काइंड ऑफ अ प्रोसेस, जहाँ लोगों को एक ब्रांड न्यू, मतलब कोई गुजरात में बैठा है, कहीं छोटे मोटे गांव में बैठा है, कोई हरियाणा में बैठा है, कोई पंजाब में बैठा है, कोई जम्मू एंड कश्मीर में बैठा है, कोई ईस्ट बंगाल में बैठा है, वो जो छोटे छोटे प्रांत हैं उन जगहों में, मतलब नॉट द स्टेट्स इटसेल्फ, द स्मॉलर विलेजेस. और एक वो मुझे उनको फॉलो करता हूँ, वो बाबा जैक्सन, वो कमाल का डांस करते हैं, बट बाबा जैक्सन गॉट टू बी नोन फ्रॉम टिकटॉक. सो वहाँ इनका डिजी टॉक जो है that reaches out to the larger mass of people, and so they've given a platform to, so I congratulate Nishant ji for doing that kind of a thing, that you know it's given newer talent a scope, of course it's given people like me also a scope to perform. So that's the reason, you know, I shook hands with them and here I am talking to you. राहुल, क्या किस बिना पे जब आप कोई भी प्रोजेक्ट चुनते हैं, जब मैं द परफेक्ट स्क्रिप्ट की बात करता हूँ, क्या खास लगा आपको? पहला सवाल, एक सवाल ये. दूसरा ये, क्या आपको लगता कि अब सबसे बेहतरीन काम आपकी तरफ से आ रहा है? बेहतरीन या नहीं आ रहा है तो देखिए ऑडियंस है, आप लोग ही बता सकते हैं, बट आई नो के अभी एक अरसा हो गया, 114 फिल्में हो गई, ठीक है, 20 साल हो गए पूरे. मैंने 20 वर्षों में मैं अगर किसी से कॉमिक रोल मांगता था तो देता नहीं था, है ना. और एक एक्टर के लिए जब हम प्रिपेयर कर रहे होते थे तो कहते थे भाई 7 रस हैं, अब 7 रस हैं, आपका रौद्र रस चल गया पहली फिल्म में चैंपियन में, तो उसी किस्म के रोल आने लग गए, क्योंकि ना उस टाइम पे सिनेमा एक किस्म का सिनेमा होता था और थोड़ा ऑडियंसेस भी बड़ी इनोसेंट होती थी और थोड़ा रिग्रेशन था सिनेमा. देन सिनेमा चेंज हुआ पिछले 6-7 साल में, फिल्में आई, स्मॉम डोनी को लेके फिल्म आ गई, यू नो पीपल हेल्ड इट ऑन द हेड, ब्यूटीफुल फिल्म, मसान आ गई, बहुत सारी ऐसी फिल्में आई जो कि एक बदलाव लेके आई, और वो बदलाव की वजह से फिर वो बदलाव आया कॉन्टेंट में, इस पे भी, वेब में भी, OTT. और जब वो बदलाव आया तो जो लेखन हो गया, राइटिंग जो हो गई, कॉन्टेंट की जो राइटिंग हो गई, वो थोड़ी ज़्यादा नेचुरल हो गई. आमतौर में जो हम लोग बातें करते हैं, शायद उस किस्म के किरदार वो बातें करते होंगे, तो वो एक थोड़ा नेचुरल हो गया. वरना पहले एक ज़माने में जब मैं छोटा था तो मैं देखा करता था, माँ ये कहती थी बेटा आ गए हो, तो मेरी माँ अभी 80s में है एंड गॉड ब्लेस हर, और मैं भी अब 50 साल का हो गया हूँ, तो मेरी माँ ने कभी नहीं कहा कि अच्छा बेटा तुम आ गए हो, यू नो. तो एज एक टाइप ऑफ डायलॉग राइटिंग होती थी, यू नो, और इवेंचुअली बिकॉज यू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द राइटर. सो इन टर्म्स ऑफ योर क्वेश्चन, आई फील गुड वर्क इज कमिंग आउट ऑफ मी सिंपली बिकॉज आई एम गेटिंग बेटर स्क्रिप्ट टू इनएक्ट इन, आई एम गेटिंग वेरी गुड डायरेक्टर्स, एंड द ऑडियंसेज हैव चेंज्ड. जो हमारी ऑडियंस है वो अभी इतनी इनोसेंट रही नहीं, दे गॉट एक्सपोज टू वर्ल्ड सिनेमा, गूगल केम इनटू इंसेप्शन, द वर्ल्ड बिकेम अ वेरी वेरी स्मॉल प्लेस, एंड यू कुड सी एनी लैंग्वेज फिल्म्स, यू कुड सी विद वेरी इजीली, यू नो, यू कुड गो ऑन टू यूट्यूब, इवन इफ यू हैव नॉट पेड फॉर अ चैनल,
यूट्यूब पे जाके आदमी देख लेता है बहुत कुछ कंटेंट, तो उसमें ना उसकी नेचुरली जब वो उसके चक्षु ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, खुल जाते हैं नेचुरली यार, वो फिर ज़्यादा बेटर काम देखता है। तो फिर आपके भी जो यहाँ के थॉट प्रोसेस वाले, क्योंकि जो सिनेमा है मेरा तो माध्यम है नहीं, डायरेक्टर राइटर एंड यू नो वी जस्ट लैंड अ सपोर्ट। तो राव सर, अभी जितने भी एक्टर्स आते हैं नए, क्या इसकी बात करें, बहुत एप्रीहेंशन रहता है उनको रोल सेलेक्ट करने में, प्रोडक्शन हाउस देखते हैं, डायरेक्टर देखते हैं, कोई स्टार देखते हैं, तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होता है। आपका जो माइंड सेट लगता है काफ़ी ब्रॉडर है और काफ़ी सिंपल है कि आप ऑफर्स देते हैं, आपको 20 साल में काफ़ी कामयाबी हासिल करें, उसके बारे में बताइए कि एक आर्टिस्ट को कितना ब्रॉडर और कितना सिंपलिसिटी होना चाहिए उसके माइंड सेट में या उसके बिहेवियर में। आई थिंक आर्टिस्ट की बात नहीं, इफ आई लुक एट लाइफ, यू नो लाइफ इज़ नॉट प्रेडिक्टेबल, कभी कुछ ऐसे ऐसे जाती है ना। अभी ये हो रहा है प्रेस कॉन, इसका क्या नतीजा आएगा मुझे भी नहीं पता, आप लोगों को भी नहीं शायद पता कि लोग कैसे बातें करेंगे, इसको इंटरेस्टिंग वे में पेश कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट इफ़ यू लुक एट लाइफ इट्स नॉट प्रेडिक्टेबल एंड सो आई थिंक यू हैव टू जस्ट गो फॉर द फ्लो। अभी ऐसा नहीं है कि मैं एक ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा हूँ, अभी मेरा शो 5 फेब को आ रहा है ऑल्ट और Z5 पे, उसका नाम है लव स्कैंडल डॉक्टर, लव स्कैंडल डॉक्टर एंड फिर फर्स्ट इंडिया मेडिकल थ्रिलर है, फिर एक फिल्म आ रही है मार्च में Z5 प्रीमियम पे आ रही है, वो रात बाकी है, फिर लेटर ऑन द ईयर मुगल्स आएगा, सो यू नो ऑल काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। दिसंबर में एक फिल्म रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पे, तो यू नो हर किस्म की चीज़ मैं कर रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो नेटफ्लिक्स है तो ये कम है या वो ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है मेरे माइंड में, वो थॉट है नहीं मेरे माइंड में, यही है कि यार ये स्क्रिप्ट है और ये स्क्रिप्ट मुझे ये परफॉर्मेंस का स्कोप ऑफर कर रही है, और शायद मुझे ऐसा लगता है ये लोग सिंसियरिटी के साथ इसको लेके जाएंगे ऑडियंसेस तक, और वो एक गट फील होता है आपको उस वक्त, एंड यू डिसाइड एंड यू टेक द प्लान। राहुल जैसी शख्सियत इस तरह की हौसला अफजाई करते हैं, इज डूइंग एवरीवन नोज बहुत अलग तरह का मुख्तलिफ काम, बहुत कुछ पाइपलाइन में भी जैसे राहुल ने बताया, कितनी हौसला अफजाई होती है, कितनी हौसला अफजाई हुई, बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें, बहुत एक्सपीरियंस एक्टर हैं ये राहुल जी, और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा इन्होंने हम लोगों के साथ काम करना इनिशिएटिव लिया इस चीज़ का। जैसा कि राहुल जी ने पहले ही बोला कि मेन चीज़ है कंटेंट, अगर कंटेंट आपका स्ट्रांग है तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म में चले उसको व्यूअरशिप मिलती है, तो हमारा भी यही सोचना है कि हमने पूरी की पूरी तरह से पूरा एम्फोसाइज जो दे रखा है वो कंटेंट पे दे रखा है कि हम कितना अच्छा कंटेंट डेवलप करें। अभी हमारा जो भी फोकस है वो मेनली अच्छे कंटेंट बना के यूज़र से हम कैसे इंटरेक्ट कर पाएँ, एक आम यूज़र कैसे अपने आप को रिलेट कर पाए, इन सब चीज़ों पर हम इस तरह का कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम लोग अभी अप्रैल में हम लोग अपना लॉन्च प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी हम और 3 महीने लगेंगे हमें अपना पूरा कंटेंट डेवलप करने में, तो हमारा पूरा का पूरा फोकस इस लेवल पे है कि हम कितना अच्छा से अच्छा कंटेंट एक यूजर को प्रोवाइड करा पाए। देखिए हमारी जो PR टीम है, जो हमारी मार्केटिंग टीम है, R&D टीम है, वो इसी चीज पे रिसर्च कर रही है कि हम कैसा कंटेंट डेवलप करें कि हम किस तरह से एक आम यूजर से रिलेट कर सकें। तो देखिए आज की डेट में कोई भी अगर एक अच्छी सीरीज है तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करे उसको व्यूअरशिप मिलनी है, तो मेन चीज़ है आप किस लेवल पे कंटेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो हमने जितनी भी अभी आज की डेट में जितनी भी वेब सीरीज हम लोग अपनी ला रहे हैं वो पूरा का पूरा फोकस हमारा एक नॉर्मल इंडियन इंसान पे डेडिकेटेड है कि हम उसको कितना अच्छा एक व्यूअर एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म दे पाए। राहुल मेरे आपसे 2 सवाल है, मेरी तरफ से आखिरी सवाल होंगे, पेंडेमिक के बाद एक अलग सा दौर आया है जब मैं OTT प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ, शकुंतला से लेकर कोरियर नंबर 1 तक सारी गुलाबों सताबों से लेकर अनगिनत फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई, और उससे पहले भी OTT प्लेटफॉर्म था लेकिन इस पैंडमिक की वजह से कहीं हमें नुकसान भी हुआ है, लेकिन इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो एक्सप्लोर हुआ है, और OTT प्लेटफॉर्म उस बारे में क्या कहना चाहते हैं, प्लस क्या आपको लगता है हाल फिलहाल में जो विवाद हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सेंसरशिप ज़रूरी है OTT प्लेटफॉर्म के? आपको जो पहला सवाल है कि ब्रॉडनिंग होराइजंस एंड वी गॉट टू एक्सप्लोर मोर ड्यूरिंग द पैंडमिक एंड आफ्टर दैट, well I agree with you, I mean for me Torbaz released on Netflix for instance, and a lot many other films got released on OTT platforms, so traditionally I am attracted to cinema because you know ek 70 mm pe ek aadmi dekhta hai ek screen pe bade screen pe, to ek एक सिनेमा का ना एक फील होता है व्हेन यू वॉच इट विद एक्स अमाउंट ऑफ पीपल विद लिटिल मोर अवेयरनेस, इन द सेंस कि आप जब फिल्म देखने जाते हैं
आपको पता है यार, ये मैं 2-2.5 घंटे थिएटर में पिक्चर देखने जा रहा हूँ और इन्जॉय करने जा रहा हूँ, उस माइंड सेट से जाता है, तो नेचुरली आपकी जो व्यूइंग है वो थोड़ी ज़्यादा फोकस हो जाती है। और कई बार होता है कि 4 रोज़ आगे कोई रो रहा है, वो सिसकियाँ आप तक भी पहुँचती हैं, तो आप वो सीन को और ध्यान से देखते हैं, या साइड में कोई बहुत ज़्यादा हंस रहा है, तो वो जो कॉमिक कॉमेडी हो रही है सामने, या जो भी वजह है उसके हंसने की, वो वजह आप भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स यू इन्फ्लुएंस अदर्स इन द सेम मैनर, सो यू नो इट्स फैंटास्टिक टू वॉच अ थिंग ऑन बिग स्क्रीन, सो दैट रोमांस एंड दैट लव विल ऑलवेज बी देयर। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि थैंक गॉड फॉर दी OTT, अगर ये नहीं होता था तो ये तो पहुँचती नहीं थी बातें लोगों तक, और जो लंबी बातें हैं, जैसे किसी को 3 सीजन में वही बातें बोलनी है, किसी को 4 घंटे में कहानी समझानी है, तो वो 2 घंटे या 2.25 घंटे में नहीं समझा सकते, तो उसको फिर कड़ियों में आदमी समझा सका। और लुकिंग एट टुडेज फास्ट पेस लाइफ, तो लोगों को मैंने देखा है कि यार ऐसा देख रहा है आदमी, आता है एयरक्राफ्ट पे एक पिक्चर देख लेता है, जिन्हों कई बार इतनी लंबी फ्लाइट नहीं होती है, 1.5 घंटे की लोकल फ्लाइट ही है, 2 घंटे की फ़्लाइट है, और उसमें अपने कई बार मन को बड़ा दुख भी होता है, ये होता है कि यार क्यों यार, ये इतने हमारे इतने कमाल के विजुअल हैं, बड़े बड़े आप इतने कंप्रेस करके देख रहे हो, बट सुकून ये मिल जाता है यार, एटलीस्ट देख तो रहा है, यू नो, वरना देखता नहीं था। और बाकी रहा विवादों का, तो सर मैं विवादों से दूर ही रहता हूँ। सेंसरशिप आपको लगता है होनी चाहिए? आई थिंक ऑफकोर्स सम अमाउंट ऑफ सेंसरशिप इज नीडेड, आई मीन ऑफकोर्स, आई मीन यू कांट डिनाई दैट सेंसरशिप इज नॉट नीडेड एट ऑल, नो वेयर एंड हाउ एंड वॉट दैट इज डिबेटेबल, and I don't want to get into a debate here because you know it's unnecessary. We've come for something else, we've come for talking about the perfect script, we've come to talk about DJ Flex, we've come to talk about my director, my cameraman, my crew, my producer Dilip Pitwa, my director Partha Ghosh, my cameraman Amit Singh. So I think let's restrict the conversation to yahan pe. Thank you so much.